एसएमआर टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक कदम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया दोस्तों। ये देखो सैमसंग का मॉडल नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, B355E। तो इसका प्रॉब्लम क्या है पहले दिखाता हूँ आपको। SMB355E सैमसंग का मॉडल नंबर है। इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, ये स्टार वाला जीरो और हैश वाला की वर्क नहीं होता है, और ये जो कॉलिंग वाला ये फोर लाइन वर्क नहीं होती है फोर की। तो आपको मैं पहले चेक करके दिखाता हूँ कि कौन सा वाला। ये मेनू वाला तो वर्क होता है, बीच ये देखो ऊपर भी आता है साइड में, ये वाला वर्क होता है लेकिन कॉलिंग वाला नहीं होता है। 1 2 3 ये वाला वर्क। अभी ये जो स्टार वाला जीरो वाला और हैश वाला जो बटन है वर्क नहीं होता है, और जो कॉलिंग वाला बटन है वर्क नहीं होता है। तो मेरे को ग्राहक ने बोला है कि ये मोबाइल गिरने के वजह से ये प्रॉब्लम आया है दोस्तों। तो चले देखते हैं खोल के इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये स्टार जीरो और हैश ये की वर्क नहीं हो रही है, और जो कॉलिंग वाली की है वर्क नहीं हो रही है। तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो पहले इसे ओपन करते हैं। दोस्तों अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो लेके इस चैनल पे मैं रिपेयरिंग के बारे में सॉल्यूशन के बारे में वीडियो लाता हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो मैंने ओपन कर दिया है। तो यहाँ देखो किसी ने तो इस पर थोड़ा काम किया है। ठीक है, ये वाला और ये वाला की ये ऑपरेट नहीं हो रहे। तो मैं इसका लाइन कहाँ से कहाँ ज्वाइन है वो भी मैं आपको दिखा, कौन सी वाली लाइन कट है वो पता करने के लिए आपको एक पॉइंट मल्टीमीटर को बजर टोन पर लेना होगा, और एक पॉइंट माइनस पे रख के आपको देखो यहाँ मैं ये 3 नंबर वाला बीच वाला जो ट्रैक है आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसा विरोध दिखाना चाहिए। जो बीच वाला जो पॉइंट है देखो या देखो विरोध नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या सही प्रॉब्लम है। यहाँ देखो यह एक एक रजिस्टर है और रजिस्टर ब्रेक है ये देखो, और यहाँ दो रजिस्टर है वो दोनों भी रजिस्टर ब्रेक है। ये जो लाइन कंटिन्यू होती है दोस्तों, यहाँ से ये लाइन कंटिन्यू होती है, बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ कंटिन्यू है, और इसके वजह से एक ट्रैक ये जो रजिस्टर है ब्रेक होने के कारण ये जो जीरो वाला जो की है वर्क नहीं हो रही है। तो इसे हम कंटिन्यू करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने मोबाइल ऑन कर दिया है दोस्तों। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी लाइन कनेक्ट होने से की वर्क होती है और कौन सा ट्रैक कट हुआ है, इसे पता चल जाएगा। ठीक है,
यहाँ जो बीच वाला पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट इस कैपेसिटर, यहाँ एक कॉइल लेती है, ये जो ब्रेक हुई है यहाँ कंटिन्यू होती है, तो हमें ये शॉर्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी देखो यहाँ एक कैपेसिटर है, रजिस्टर है, वो थोड़ा ये हो गए, उकड़ गए, तो उसे हम फिर से रिबॉल्व कर देंगे तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो आपको दिक्कत आए कौन सा वाला रजिस्टर, यहाँ दो कॉइल रहती है, ये दोनों भी मैं शॉर्ट कर दूंगा, और जो ये वाला जो कैपेसिटर है, सॉरी रजिस्टर है, रजिस्टर को रिवॉल्व करके यहाँ चेक करते हैं, फिर ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ थोड़ा फ्लक्स लगाना पड़ेगा ताकि ये अच्छी तरह से रिवॉल्व हो। ठीक है, तो यहाँ देखो ये वाली जो यहाँ एक कॉयल है अभी कंटिन्यू हुई है। ठीक है, तो मैं ये वाला तो मेरे पास पार्ट अवेलेबल नहीं, तो मैं इसे शॉर्ट कर दूँगा। ये देखो दोनों भी शॉर्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो जो दो कॉइल खराब ब्रेक हो गई थी, यहाँ से उकड़ गई थी, तो उसे मैंने शॉर्ट किया है। तो अभी चेक करते हैं, यहाँ जो एक कंपाउंड कॉइल थी थोड़ा उकड़ने से, वो भी मैंने इसे रिवॉल्व करके यहाँ कंटिन्यू किया है। तो अभी देखते हैं जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, ये देखो हैश वर्क हो रहा है अभी, जीरो वाला भी वर्क होगा दोस्तों, तो ये देखो स्टार वाला भी वर्क हो रहा है। तो हमारा और एक की वर्क नहीं हो रही थी, वो भी देखते हैं कि ये वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो जो कॉलिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो शुरू नहीं हुआ है, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा कि कौन सा वाला पार्ट उसे चेक करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, जो कॉलिंग का बटन है जो वर्क नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ ट्रैक ज्वाइन करना पड़ेगा, तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा दोस्तों। तो पहले इसे मेरे को मोबाइल ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये लाइन कट होने से ये कॉलिंग का बटन ऑपरेट नहीं हो रहा है, ये देखो। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ ट्रैक ज्वाइन करना पड़ेगा, पहले ये की वर्क करके दिखाता हूँ। तो अभी देखो इमरजेंसी कॉल दिखा रहा है, तो इसके लिए ये इस पॉइंट, इस ये जो ऊपर वाली की दिख रही है, इसके बीच में से इसे ऐसा एक ट्रैक ज्वाइन करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा ट्रैक ज्वाइन करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दोस्तों। तो अभी देखो मैं यहाँ की को टच करूँगा, तो ये देखो इंसर्ट सिम का सिंबल आ रहा है, तो अभी की वर्क हो रही है।
तो इसके ये वर्क होने के लिए मेरे को ये ट्रैक ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो भी मैं आपको करके सक्सेस करके दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो मैंने कहाँ से कहाँ ट्रैक ज्वाइन किया है, जो आपको पहले ही बोला था, ये जो ऊपर की की दिख रही है इससे बीच में से यहाँ बीच में आया है। तो 100% ये अभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा कॉलिंग वाला जो है, ठीक है? तो यहाँ देखो, ये देखो अभी इमरजेंसी कॉल दिखा रहा है। तो ये जो ट्रैक कट होने से ये प्रॉब्लम आया था दोस्तों, और देखो हमारा जो प्रॉब्लम हुआ है अभी सॉल्व हुआ है, ठीक है? ये देखो, ठीक है, अभी मैं पैक करके चेक करके दिखाता हूँ कि ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व आई कि नहीं दोस्तों, ठीक है? देखो दोस्तों अभी ये वर्क हो रहा है, ये देखो हमारा जो प्रॉब्लम था अभी सॉल्व हुआ स्टार वाला, और जो कॉलिंग वाला है ये देखो इंसर्ट सिम बता रहा है, जब भी मैं की वर्क करता हूँ तो इंसर्ट सिम आता है। अभी देखो इमरजेंसी कॉल, ठीक है? इसी तरह से ये प्रॉब्लम जम्पर लगा के सॉल्व कर सकते हैं।